स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में। सभी माताएं भगवान शिव का ध्यान करते हुए रामचरितमानस तुलसी जी दास रचित रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव सभी देवों में से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए हम भगवान को भोलेनाथ भी कहते हैं। शिव की कृपा पाने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। यदि संस्कृत श्लोक का पठन हर रोज किया जाए तो आने वाला शिशु जल्दी बोलना सीख लेता है और उसकी वाणी भी एकदम स्पष्ट होती है। जो गर्भवती माता है और गर्भधारण से पहले भी यह स्तोत्र का पठन करती है तो आने वाला शिशु जन्म के बाद जब यह स्तोत्र सुनेगा तो वह शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। तो आइए करते हैं रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ के साथ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदास्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोहं। तुषाराद्रिशंकाश गोरम गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लस भद्र बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम शर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मिथारी। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परिवानराणम नतावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम चरा जन्म दुखोद्यताप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामी
ईश शंभु, नमामि ईश शंभु, नमामि ईश शंभु। जय भोलेनाथ।